वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल. सो दोस्तों, फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज फाइनली हेयर. आई नो ये वीडियो बहुत लेट हो गया, बट आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं बहुत कोशिश करी थी, बट समाओ कुछ इशूज़ की वजह से मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी. कभी एडिटिंग इशूज़ आ रहे थे एंड समाओ मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी. एंड फाइनली जब मैंने वीडियो एडिट कर दी, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, वीडियो ही मुझसे डिलीट हो गई. तो दैट वॉज द रीज़न कि मैं इस वीडियो को अपलोड करने में इतना लेट हो गई. दोबारा से मुझे सारे क्लिप्स को असेंबल करना पड़ा एंड देन उनको एडिट करना पड़ा. सो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. तो बेसिकली आज मेरी अपॉइंटमेंट ब्रेसेस की टाइटनिंग है मेरी, एंड एज ऑलवेज आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो वेरी नर्वस दैट आई डोंट नो कि मुझे कितना टाइम और इनको वेयर करना पड़ेगा. एंड आई एम सो वरीड अबाउट कि मेरा गैप कब तक फिल होगा. मेरे जो टीथ है उनकी अलाइनमेंट तो प्रॉपर हो चुकी है. एज यू कैन सी मेरे टीथ प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, नीचे वाले टीथ एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, बट स्टिल अभी मेरे अपर टीथ में गैप्स है. यू कैन सी देयर आई हैव टू गैप्स स्टिल लेफ्ट नाउ. तो जैसे ही ये फिल हो जाते हैं वैसे ही मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे. बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपको कितना टाइम हो गया, कितने साल लगे. तो मुझे मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं, 2 साल से मुझे ज़्यादा हो चुके हैं ब्रेसेस को वेयर किए हुए. एंड अभी और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है. आई होप इस साल मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएं. मैं बहुत भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि इस बार मेरे ब्रेसेस हट जाने चाहिए, बिकॉज मैं भी अब थोड़ा अपनी ना स्माइल को, वो नेचुरल स्माइल को मिस करने लगी हूँ. तो मेरा भी मन करता है यार जल्दी से ये हट जाएँ और मैं अपने जो टीथ है ना, रियल टीथ, उनको देख पाऊँ, अपनी स्माइल को देख पाऊँ कि मेरी स्माइल कैसी लगेगी जब मेरे ब्रेसेस ऑफ हो जाएंगे. सो आज है मेरी टाइटनिंग अपडेट. और सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद मैं टाइटनिंग के लिए जाऊँगी. एंड बाकी का प्रोसीजर आप वहीं पर देखना, और आपके क्वेश्चन के आंसर भी मैं वीडियो के साथ साथ दूंगी. तो वीडियो को पूरी देख के जाना, और अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. वीडियो में आगे जाने से पहले ना आप मेरे कुछ क्लोजअप्स देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है पिछले कुछ महीनों में, एंड मेरा गैप्स कितने ज़्यादा फिल हो चुके हैं, और मेरे टीथ की अलाइनमेंट कैसी है. यू कैन सी मेरे जो वाइट कास्टिंग है वो अभी तक लगी हुई है, अभी तक नहीं हटी है. और एक मेरे नीचे का टीथ का ब्रैकेट टूट गया था, तो वहाँ पर भी थोड़ी वो वही वाइट कास्टिंग मुझे दोबारा से लगा दी है. एंड सो फाइनली आई एम इन द केबिन, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ हर बार. तो इस बार मुझे वायर, मेरे जो बैंड्स थे वो चेंज नहीं हुए थे, एंड बस उन्होंने जो गैप्स वाला जो बैंड था उसको चेंज किया था. फिर बाद में मैंने बताया कि उनको कि मेरा एक ब्रैकेट टूट गया है, तो उन्होंने फिर उसको भी लगाया था दोबारा से. तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, वरना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरी अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी हो गई थी. आंसर करती हूँ कि आपने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे प्रीवियस वीडियोस में. तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपको ब्रेसेस क्यों लगे थे, आपके टीथ में क्या प्रॉब्लम थी. तो मुझे बेसिकली ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम थी, मेरे नीचे वाले दांत जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से मेरे 4 एक्सट्रैक्शंस हुए, 4 दांत निकालने पड़े, और मेरे ऊपर वाले टीथ थोड़े से बाहर थे, जिसकी वजह से मुझे ब्रेसेस लगवाने पड़े थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि दीदी क्या अगर गैप कवर नहीं होता तो क्या कुल्ला करने से, गैप नमक के पानी से अगर हम कुल्ला करते हैं तो क्या गैप जल्दी फिल हो जाता है. सो ऐसा कुछ नहीं होता, नमक के पानी से कुल्ला करो, कैसे भी कुल्ला करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके गैप्स के ऊपर. वो जब होने होंगे, जब आपके टीथ मूव करेंगे प्रॉपर डायरेक्शन में, तभी वो आपका गैप फिल होगा. आपको 1 ईयर हुआ है, मुझे 2 साल हो चुके हैं, मेरा गैप अभी तक फिल नहीं हुआ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आपकी एज कितनी है और आपने कितनी एज में ब्रेसेस लगवाए थे. तो मैं अभी 21 की हो चुकी हूँ. मैं जब 19 के एंड में थी तब मैंने ब्रेसेस लगवाए थे, एंड सून मैं 22 की हो जाऊँगी बहुत ही जल्दी. सो या एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज़ द बेस्ट ब्रेसेस जिसमें जल्दी हमें रिजल्ट्स मिले. तो मेरे हिसाब से मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप मेटल ब्रेसेस ही लगवाइए, बिकॉज अलाइनर्स, अगर आप इनविजिबल अलाइनर्स या फिर सेरामिक की तरफ जाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, और उनके रिजल्ट्स आपको बहुत स्लो देखने को मिलते हैं. एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब ब्रेसेस लगवाते हैं क्या एवरी मंथ डॉक्टर के पास जाना होता है. तो यस, एवरी मंथ अपॉइंटमेंट होती है, 15 डेज पर भी हो सकती है, 2 मंथ्स में भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी जल्दी हो रही है और आपके डॉक्टर आपको कब बुलाना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गैप फिल होने में कितना टाइम लगता है. तो गैप फिल होने में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लगता, बिकॉज कभी भी ज़्यादा भी लग सकता है किसी को, कम भी लग सकता है.
एंड या इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझसे अपनी केस स्टडी शेयर की थी. उनको क्या प्रॉब्लम है कि उन्होंने मतलब जल्दबाजी भी नहीं करी, उन्होंने गलत डॉक्टर सिलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से उन्हें अब प्रॉब्लम हो रही है. उन्होंने एक एक्सट्रैक्शन भी करवा लिया है और अब उनके दो जो प्रीमोलर्स हैं उनको भी निकालने के लिए बोल रहे हैं एंड उनके विजडम टीथ को भी निकालने के लिए बोल रहे हैं. मतलब उनके डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि उनके 8 दांत निकाले जाएंगे. तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि आपके टीथ में से हम 8 दांत निकालने वाले हैं तो आपको कैसा लगेगा. आई कैन लिटरली फील द सिचुएशन जो वो फेस कर रही हैं. शी टॉक टू मी, उन्होंने मुझसे कई बार बात करी है, मैंने उनसे कॉल पर भी बात की थी. तो उन्होंने मुझे अपना पूरा जो पूरा प्रोसीजर था वो समझाया और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हैं. तो मैं उनके जो केस से आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर आप ब्रेसेस के लिए जाते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो आप पहले एकदम अश्योर हो जाएं कि आपका ट्रीटमेंट सही होना है और आपका डॉक्टर जो है वो एक रेप्यूटेड डॉक्टर है, उन्होंने पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए हुए हैं. बिकॉज़ अगर आप किसी बिगिनर के पास जाते हैं तो 100% चांसेस हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो ख़राब होने वाला है. क्योंकि शुरू शुरू में डॉक्टर्स आपको मतलब शुरू में बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि हाँ आप ठीक हो जाओगे ऐसा वैसा, लेकिन जैसे आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है ना उसके बाद वो उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा भले ही टाइम ले लें लेकिन अपना डॉक्टर बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करें. बस ये आपकी लापरवाही आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है. बिकॉज़ हमारा फेस हमारी बॉडी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और अगर यही ख़राब हो जाएगा देन वी विल लूज़ आवर कॉन्फिडेंस. सो चूज़ वाइजली. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन स्टिल रह गए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करूँगी. एंड गाइज ऑल्सो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट पसंद आता है और मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हैं देन यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें. तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू.